गुरु घर का लंगर साढ़े गुरु घर मर्यादा आ सुचम की एवं नहीं हाथ पा के बिच लै लेगा कोई भी सुचम इनू कहते हैं लंगर कोई आवे मुसलमान कोई हिंदू आवे कोई सिख आवे कोई क्रिश्चन आवे एक लाइन के बैठ के छकया जाता लंगर ये लंगर किमें तैयार होंदा ये अमानत बहुत देर दे लंगरी ने इत्थे इसे घर सेवा है जिन्हें सेवादार ने बहुत पुराने ने इत्थे दे हाँ जी ये करते हैं देखो दाल एक लख आदमी छक सकता चावल सर चाह पहला प्रशादी उधर तंदूर ने मसाला पाया जाता है सुचम के नाल हर सफाई के नी जाती है किचन के कोई गंद नहीं पड़ेगा और फ्री के सेवा कर दिया संगत मैं देखो बीबिया कि सेवा कर दिया ने मैं साफ कर दिया ने जी वो लंगर एक बार छक लेंदी आ उन्होंने उठाया जाता तुझे देखते हो ट्रैक्टर पाइप का रखा हुआ वो साफ किया जाता स्वेटर करके फिर दोबारा कपड़ बिछा के संगत को लाइन के ला के गुरु नानक सच्चे पातशाह ने यह साढ़े कस्टम के साढ़े मजहब के एक रीत तोड़ी आ कि कोई भी भुखा आदमी आ भुखे आ जा नहीं भी भुखे तुम दुनिया के उत्ते लंगर चलते हैं आ सकते हैं जे मार्केट के पिछों ब्या प्याज खत्म हो जाते आलू खत्म हो जाते लंगर के कदे खत्म नहीं होंगे लंगर चलता ही रहेगा हज़ार लोग आ जोड़े वो लंगर छक रहे हैं तो अपना इंजॉय कर रहे ठीक नहीं अच्छा सरदार जी ए अपना मुख्तलिफ डिशा जड़िया ने पकदिया ने रोज़ के इको ही डिश जी है पूरा हफ्ता चलती है कोई मसलन दाल है तो दाल ही पकी जाएगी या सब्जी है सब्जी साढ़े टोटली वेजीटेरियन कोई गोश्त नहीं मिर्च हो या कोई इधर उधर की गल नहीं होंगी पूरी सुचम के नाल तैयार होंगे ने हमने बच्चे ने ये मुसलमान ने अच्छा मुसलमान होंगे हुए कुकिंग कर रहे हैं सिख छक रहे हैं जो ये कुकिंग हो जाता चाहे मुसलमान करे जा हिंदू करे जा सिख करे वो अरदास की जाती अरदास तो बाद करवा के बरताया जाता असं ये कहने प्रवान हो गया सब वास्ते एक क्या